हेलो एवरीवन, नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये क्या होते हैं? स्टोरेज होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करते हैं। सैक्स सैक होते हैं एक तरह से। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर ऑफ स्मॉल साइज। कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, और इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लार्ज साइज्ड। जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर वैक्यूल क्या होते हैं? लार्ज साइज के होते हैं एंड मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कि जो टोटल वॉल्यूम होता है सेल का, उस टोटल वॉल्यूम का 50 से 90% क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। और वैक्यूल्स क्या स्टोर करते हैं? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। अब ये कंटेंट होता क्या है? शुगर्स भी हो सकते हैं, सॉल्ट भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, और मेनली वाटर होता है। लुक इन दिस प्लांट सेल, दिस इज द वैक्यूल विच इज़ द 50 to 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। कि जो वैक्यूल है वो 50 से 90% होता है पूरा जो वॉल्यूम होता है उसका। तो ये देखो, यहाँ पे जो वैक्यूल है वो क्या बन रहा है? 50 से 90% के बीच में जो वॉल्यूम है इसका वो कितना है? 50 से 90% के बीच में। नाउ द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट इज वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। जो वैक्यूल्स होती हैं वो किससे फुल होती हैं? सेल सैप से। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। और जो सेल सैप होते हैं वो क्या करते हैं? टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल को प्रोवाइड करता है। अब टर्जिडिटी और रिजिडिटी होता क्या है? टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से स्वोलन या फिर हार्ड। क्या होता है कि जो प्लांट सेल होती है वो टेकअप करता है वाटर को बाय ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट की सेल होती है वो क्या करती है? स्वेल करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे जैसे वो स्वेल कर रही है तो जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है, जो प्रिवेंट करती है बस्टिंग ऑफ द सेल को। तो जो सेल सैप होता है वो क्या करता है? मेंटेन करता है ऑस्मोसिस ऑफ द सेल। अब ऑस्मोसिस क्या था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसनट्रेशन टू लोअर वाटर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स जो कुछ लिमिटेड मटीरियल्स को परमिट करती है ट्रांसमिशन के लिए, तो इसलिए उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ टर्जिडिटी मीन्स कि जो स्वोलन या फिर हार्ड पार्ट होता है, एंड रिजिडिटी टू द सेल, और रिजिड मतलब हार्ड। अब जो सेल सैप होते हैं उसके अंदर क्या फिल होता है? उसके अंदर फिल होते हैं शुगर, सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड मेनली वाटर फिल होता है। सेकेंड, मैनी सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप्स होते हैं जो जिनके अंदर अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक और प्रोटीन स्टोर होते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज इन अमीबा कंज्यूम्ड फूड इज स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है? वैक्यूल्स होते हैं। जो भी फूड कंज्यूम करता है वो फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। नाउ द फोर्थ पार्ट इज इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए। अब एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है? कि जो एक्सेस वाटर है उसको एक्सपेल करना है, और जो वेस्ट होते हैं बॉडी से उसको भी या सेल से उसको एक्सपेल करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो उसमें भी कौन हेल्प करता है? वैक्यूल्स। की जो एज्यूम करो कि अगर अमीबा है उसकी बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना है, तो उसके अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। उन वैक्यूल्स के अंदर जो भी वेस्ट होता है वो स्टोर हो जाता है, और थ्रू अमीबा की बॉडी से वो बाहर आ जाता है। उसके अंदर भी
दो ही प्रोसेस होती है, या तो ऑस्मोसिस अगर वाटर बाहर आ रहा है, या फिर वेस्ट आ रहा है तो वो थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, तो वो बाहर आ जाते हैं। थैंक यू।